कोविड 19 दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फिर कहर बरपा रहा है। यूके में एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा कोविड पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले सप्ताह कोरोना के अधिकतम केस 93,045 थे। वहीं कोरोना 28 दिन में 140 लोगों को निगल गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने गेट बूस्टेड नाउ रुख को दोहराया है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में ओमिक्रॉन के मामले 238 से भी ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें वर्तमान हालातों की वो चर्चा करेंगे, साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी पीएम मंथन करेंगे। तो आपको बता दें, दुनिया में फिर से कोरोना का रफ्तार बढ़ रहा है। यूके में कोरोना से हाहाकार, और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता लोकेश शोला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लोकेश, देखिए ओमिक्रॉन का जो केसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, आज इसको लेकर पीएम मोदी समीक्षा भी करेंगे। अगर बात की जाए तो त्योहारी सीजन भी नजदीक है, क्रिसमस भी है, न्यू ईयर भी है, राज्य सरकार की ओर से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए आयुषी, जिस तरह से बात करें तो पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन का जो नया कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आया है, उसे लगातार कोरोना के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फिर से जो कोरोना का कहर ये बरपा रहा है। यूके में एक दिन में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले सप्ताह में कोरोना के अधिकतम मामले 93,045 थे, वहीं अब कोरोना 28 दिन में 140 लोगों को निगल गया है। यानी कि बात करें तो अब तक 140 से अधिक लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। अर्थात ओमिक्रॉन के जिस तरह से मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, भारत में भी अब तक 238 मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में वर्तमान हालातों को लेकर प्रधानमंत्री भी लगातार चिंतित है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर आगाह किया जा चुका था कि बूस्टर डोज प्रदेशवासियों को लगाई जाए। साथ साथ राजस्थान में भी जो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सख्त हिदायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दी गई थी। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ने लगे थे, उसी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और अधिक से अधिक सैंपलिंग लेने के निर्देश दिए गए थे, ताकि लोगों कोरोना पॉजिटिव लोगों की पहचान हो सके और उनका इलाज किया जा सके और अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सके। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोरोना के नए वेरिएंट और कोरोना संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक उन्होंने बुलाई है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम जो अधिकारीगण और दूसरे कई विभागों के अफसर इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर लगाम लगाने को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ साथ जो ओमिक्रॉन की एंट्री अब उत्तराखंड और हरियाणा में हो चुकी है, उसको लेकर भी वहां पर भी राज्य सरकार को दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरह से वहां पर भी इसका सख्ती से पालन करवाया जाए। ऐसे में जिस तरह से बात करें तो अमेरिका में भी कोविड की जो एंटीवायरल टेबलेट को मंजूरी है वो मिल चुकी है, लेकिन बात करें तो अभी तक देश के अंदर इसकी मंजूरी नहीं मिल पाई है। साथ साथ बूस्टर डोज को लेकर भी जिस तरह से कई राज्यों की ओर से मांग की गई है, उसको लेकर भी राजस्थान जो भारत सरकार की ओर से मंजूरी मिलना भी जरूरी है। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया गया था कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाएं। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से केंद्रीय सचिव की ओर से भी कहा गया कि ओमिक्रॉन कोरोना के पुराने वेरिएंट डेल्टा के मुकाबले 3 गुना तेजी से फैल सकता है, इसलिए जरूरी उपाय अपनाए जाने चाहिए। साथ साथ जो गाइडलाइन को लेकर भी केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि अगर किसी जिले में एक सप्ताह के दौरान पॉजिटिव रेट 10% से ज्यादा आती है या फिर ऑक्सीजन बेड की जो ऑक्युपेसी 40% से अधिक आती है तो जिले में पाबंदियां लगाई जा सकती है। साथ साथ इस पाबंदियों के अंदर नाइट कर्फ्यू, टेस्टिंग, कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे उपाय शामिल किए गए हैं। इसी के अलावा 10% से कम पॉजिटिव रेट होने पर भी पाबंदियां लगाई जाने को लेकर दिशा निर्देश किया गया है। इसके अंदर भी कहा गया कि जो जनसंख्या घनत्व है उसके अनुसार वहां पर पाबंदियां लगाई जाए और जो ओमिक्रॉन की तेज रफ्तार को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से इसको अलग फैसला लिया जाना जरूरी है। बात करें तो जिस तरह से अभी तक महाराष्ट्र के अंदर कुछ पाबंदियां है वो लगाई गई है, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में जो कोरोना संक्रमण के केस आ रहे हैं और वहां पर भी 16 से 31 दिसंबर तक मुंबई शहर में
धारा 144 लगाई गई है ताकि एक जगह पर अधिक से लोग इकट्ठे नहीं हो और कोरोना फैलने का खतरा कम हो सके। इसी के अलावा गुजरात के अंदर भी अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, जो वडोदरा सहित जो कई ऐसे जिले हैं वहां पर भी 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक कहीं पर भी आने जाने की अनुमति वहां पर नहीं दी गई है। साथ साथ जिम और रेस्टोरेंट भी जो 75% कैपेसिटी के साथ खुलने की अनुमति वहां पर दी गई है। दिल्ली में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर पाबंदी लगाई है। साथ साथ जो शादी समारोह के अंदर भी 200 लोगों तक ही छूट दी गई है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के लखनऊ और नोएडा में भी 31 दिसंबर तक धारा 144 लगाई गई है। बात करें अब राजस्थान की तो राजस्थान में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पहले निर्देश दिए जा चुके हैं कि अगर कहीं अधिक कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो जिला प्रशासन अपने अनुसार जो फैसले लेकर वहां पर पाबंदी लगवाए। साथ साथ वहां जो कोरोना प्रोटोकॉल के पालन के साथ साथ जहां अधिक कोरोना पॉजिटिव आए वहां पर जो रैंडम सैंपलिंग करवाई जाए ताकि कोरोना पॉजिटिव मरीजों का पहचान हो सके और उनका इलाज किया जा सके। इस तरह से जो कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई है और इसमें तमाम किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएंगे वो आगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की ओर से भी इस कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया लोकेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें भारत में भी ओमिक्रॉन का खतरा